नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जल निगम के कार्यालय के अंदर मंदिर परिसर के बगल में स्थित विशालकाय पाकड़ का पेड़ बारिश के बीच धराशायी हो गया। गलीमत यह रही कि पेड़ मंदिर पर नहीं गिरा, नहीं तो मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता। पेड़ के गिरने से जहां विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं नगर पालिका कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे लोग परेशान रहे। जल निगम कार्यालय परिसर में मंदिर के बगल में कई पुराने पेड़ हैं। देर रात हो रही बारिश के बीच अचानक पाकड़ का पेड़ बिजली के पोल पर गिर गया, जिससे तेज धमाके के साथ तार टूट गया व बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं पूरे दिन विकास भवन जाने वाला मार्ग अवरुद्ध रहा। दोपहर बाद मौके पर वन विभाग के रेंज पहुंचे और पेड़ को काट कर हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। देर शाम तक पेड़ को हटाने के बाद विद्युत तारों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। अच्छा, क्या घटना हुई थी? रात में 10 बजे करीब जो है मौसम सही था, बारिश नहीं हो रहा था, लाइट वाइट एकदम सही था। वो अचानक जो धीरे धीरे ये पेड़ जो है तार के तरफ लटक रहा था, फिर चिंगारी उसमें से फेंकने लगा, फिर अचानक गिरा और टोटल जो है समझिए कि लाइट का आवाज़ इतना तेज हुआ और पूरा लाइट वाइट कट गई, सब एकदम बहुत मतलब एकदम भयानक स्थिति हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जो है लाइट चालू थी उसमें। हाँ, लाइट चालू थी। फिर थोड़ी देर बाद लाइट ऑन हुई, फिर आवाज़ किया एक बार जो है, उसके बाद फिर नहीं आया तब से लाइट जो है। सब ठीक होगा तो बिजली वाले आए थे कि नहीं? बिजली वाले लोग आए थे, सुबह में सब जांच उच करके गए हैं और काट उट किए, तार और हटाए हैं, बोले हैं कि पेड़ हट जाएगा तो लाइन खींचा जाएगा, ये है व्यवस्था सर। अच्छा, किसी के घायल होने? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। उस समय एक दो लोग थे तो पार्क में बाहर थे, करीब 10 बजे रात में गिरा है ना, और उस समय ये खाली जगह था, अगर दिन में होता तो बहुत घटना घट जाती। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।